आपको पास होने के लिए 23 नंबर ही चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दीर्घ उत्तरी से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर का, और आप ये 4 चैप्टर का सिर्फ तैयार कर लिए, और जो ये मैंने आपको बताया ये 4 चैप्टर, तो आप आराम से 35 नंबर पा लोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स और हिंदी का पेपर जिस तरीके से आपको तैयारी कराई गई, आपके सभी पेपर बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो अब बारी है आपकी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको टोटल 20, 21, 22, 23, 24 3 दिन का गैप अच्छे से देखो है, और आप चाहो तो आज भी तैयारी कर सकते हो और 24 तारीख को दोपहर में भी। लेकिन अगर आप ये वीडियो 24 फरवरी को दोपहर में भी देख रहे हो, सुबह में देख रहे हो, तो भी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप ये पासिंग नंबर आराम से पा सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये किसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, ना ही किसी ऑफलाइन कोचिंग में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया, अगर 2 दिन पहले इस वीडियो को आपको मिल गया, तो आप 70 में 50 नंबर आराम से स्कोर कर लोगे, अगर अभी तक आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी हुई होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आपको क्लास 12 के सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल फ्री में हो सके। ठीक है, मैं आपको एक एक डिटेल में समझाऊंगा, और बहुत मेहनत लगी है ये सारा कुछ बनाने के लिए। तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, क्लास 12 केमिस्ट्री में पास होने के लिए सिर्फ 23 नंबर आपको थ्योरी में चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूं आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। आपके टोटल MCQ क्वेश्चन रहेंगे 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, 6 नंबर के आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा रहेगा ये अति लघु, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 4 क्वेश्चन, ये दोनों 2-2 नंबर के रहेंगे, तो 8 क्वेश्चन आपके आएंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे 16 नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो रहेगा वो लघुत्तरी का पार्ट 1 रहेगा, यह रहेगा 4 नंबर का, 3 नंबर का रहेगा 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये 12 नंबर का रहेगा। वहीं पे लघु उत्तरी का जो सेकंड पार्ट रहेगा ये 4 नंबर का रहेगा और 4 क्वेश्चन रहेंगे 16 नंबर का, और दीर्घ उत्तरी जो रहेगा ये 5 नंबर का, 4 क्वेश्चन 20 नंबर का। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको ये 3 क्वेश्चन तैयार करा दूं ऐसे कि जो आप तैयार करो वही आ जाए, तो आप 20, 10, 30, 36, 2, 38 और 10, 48 नंबर तो यहीं से पा गए। ठीक है, 48 नंबर तो आप यहीं से पा गए। तो इस वीडियो में आपको जिस तरीके से बताने जा रहा हूं, आप एक एक पॉइंट को एक कॉपी में नोट डाउन कर लो, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से तैयारी करो। आप केमिस्ट्री के पेपर देकर आओगे तो कहोगे सर आप जैसे बताया सिर्फ वैसे मैंने 2 से 3 दिन पढ़ाई की और 50 नंबर में आराम से करके आया हूं। ठीक है, आप चाहते हो सिर्फ पास होना, तो पास होने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आप 4 चैप्टर को तैयार करो। कौन कौन से चैप्टर है? पृष्ठ रसायन, जिससे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर यहीं पर जैवअणु है 6 नंबर के, फिर बहुला का 3 नंबर, दैनिक जीवन में रसायन है 3 नंबर। ये पूरे क्लास 12 केमिस्ट्री के सबसे इजी चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि इनमें आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा पीछे तब जाके इसको समझ में आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन चैप्टर है जिससे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हर साल लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं, और इससे 16 नंबर इन 4 चैप्टर से बना सकते हो। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बैंक है, आप उनके ये सारे 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर के अगर उन क्वेश्चन को जो रिपीटेड आते हैं अगर उनको तैयार कर लिए, तो 16 नंबर आपके फुल मिल जाएंगे। क्योंकि ये 4 चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इन 4 चैप्टर को फोकस करना है जो बच्चे कमजोर हैं, क्लियर है, या जिनकी तैयारी नहीं हुई है। ठीक है, फिर आप काम क्या करो, यहां से आपके 16 नंबर एकदम श्योर मिलेंगे। फिर आपको न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल मान के चलो आपके 20 से 25 नंबर आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहता हूं आप सिर्फ ठोस अवस्था, विलयन, रासायनिक, बलगतिक और वैद्युत रसायन के जो NCERT के न्यूमेरिकल है और जो NCERT के एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल है, सिर्फ उसको लगा लो। और आप एक काम करो, जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उनमें जो पिछले 3 साल का न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, इस चैप्टर से जो पिछले 3 साल के न्यूमेरिकल आए हैं वो कैसे मिलेंगे वो भी अभी मैं वीडियो के लास्ट बता दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहो। सबसे पहले आप NCERT के इसके 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा लो, फिर आप क्वेश्चन जो आपका बैंक है उससे पिछले 3 साल से इन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल वाले वो लगा लिए, तो मान के चलो 12 नंबर के आप यहाँ से न्यूमेरिकल इन 4 चैप्टर से आराम से उठा लोगे। ठीक है, 16 नंबर आप इन 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को तैयार करके लगा लोगे, क्योंकि इसमें आपका न्यूमेरिकल नहीं आएगा। और इन जो 4 चैप्टर बताया इसके अगर सिर्फ NCERT न्यूमेरिकल और पिछले 3 साल का न्यूमेरिकल लगा लेते हो तो 12 नंबर आप आराम से न्यूमेरिकल में पा जाओगे। ठीक है, अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल मैं बताना चाह रहा हूँ ये 20 नंबर का खेल है, तो इसको एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि आपके 4 प्रश्न आएंगे 5-5 नंबर के, जो टोटल 20 मार्क्स आएंगे। ठीक है, और ये 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं ये ध्यान से सुनो, ये सिर्फ पी ब्लॉक चैप्टर से, एल्कोहल, फिनॉल एंड इथर,
एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये जो चार चैप्टर हैं, इन चार चैप्टर से ये 10 साल में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए, ठीक है, 5 नंबर वाले। तो सबसे पहले आप काम करना है पी ब्लॉक, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बायोमोलिक्यूल चैप्टर के जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं आपके क्वेश्चन बैंक या फिर जो भी आप साइड बुक लिए हो, वो सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इन चार चैप्टर के एक भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इन्हीं चार चैप्टर से आएंगे। तो इतना जब आपको पता है तो इनके सारे क्वेश्चन क्यों ना तैयार कर लो, ठीक है। इनमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक प्रयोगशाला विधि वाला फिक्स रहेगा सचित्र वर्णन करने के लिए, फिर कैसे परिवर्तित करेंगे, क्या होता है जब, और मैं आपको दीर्घ उत्तरी के लिए कल या फिर कल शाम में आपको मैं 30 क्वेश्चन दूंगा आंसर के साथ में। अगर आप इन 30 क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो ये जो तो 20 नंबर का आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है वो आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। उसमें से ही आपके 30 क्वेश्चन में से आपके ये, क्योंकि इसमें और करके दिया रहेगा, ठीक है। एक नहीं आया तो दूसरा आएगा, तो दूसरे में कोई भी फंस गया तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप काम क्या करो, पृष्ठ रसायन, जैवाणु, बहुलक, दैनिक जीवन में रसायन, इनके सभी क्वेश्चन को तैयार करो, ठीक है। शॉर्ट, लॉन्ग और बहुविकल्पी सभी, ठीक है, क्योंकि इससे 16 नंबर के आएंगे और ये चार चैप्टर को आपको बेहतरीन तैयार करनी है, ठीक है। और एक काम कर दो, जो पी ब्लॉक चैप्टर, ये पूरे केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका चैप्टर 7 नंबर का पूछेगा, तो 7 पी ब्लॉक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, मतलब जितने भी इनके क्वेश्चन बैंक से या फिर जो भी आपके पास नोट्स हैं उससे इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लो, कि 7 नंबर इसमें से ना छूटे। और ये चैप्टर जो मैं बताया, पृष्ठ रसायन से 4 नंबर आना कंफर्म है, जैवाणु से 6 नंबर, बहुलक से 3 नंबर, दैनिक जीवन में रसायन से 3 नंबर। तो यहां से आप 16 नंबर उठा लो और 7 नंबर अगर आप पी ब्लॉक तैयार करें 23 नंबर आराम से पा गए। फिर आप न्यूमेरिकल सिर्फ ठोस अवस्था, विलयन, रासायनिक बल, गति, वैद्युत रसायन में इसके 4 चैप्टर के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल और एग्जांपल एनसीईआरटी के, और पिछले 3 साल के जो क्वेश्चन बैंक में पूछे गए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल, उनको तैयार कर लिए तो 12 नंबर यहां से पा जाओगे। फिर जो ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, यहाँ पे 23 हुआ 12, 23 दो 25, 10, 35 नंबर ये हो गया। फिर आपके ये जो 20 नंबर के दीर्घ उत्तरी मैंने बताया, पी ब्लॉक, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप तैयार कर लो, जो भी आपके क्वेश्चन बैंक में दिया है। और मैं इसके लिए 30 क्वेश्चन का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ दीर्घ उत्तरी को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो 35 और 20, 55 नंबर आप इस तरीके से स्मार्ट वर्क करके पा सकते हो इतने बचे टाइम में, ठीक है। और अगर आप अंतिम दिन देख रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, इन 4 चैप्टर के दीर्घ उत्तरी तैयार कर लो, फिर इन 4 चैप्टर के जो मैंने बताया कि आप इन 4 चैप्टर के बहुविकल्पी, अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो, ठीक है। और क्या करो, इन न्यूमेरिकल तैयार कर लो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से 2 दिन अगर पहले ये वीडियो देख रहे हो तो जिस तरीके से 4 चैप्टर तैयार करने के लिए बोला, पी ब्लॉक और न्यूमेरिकल मैंने इन 3 चैप्टर का और ये दीर्घ उत्तरी के लिए क्वेश्चन, और फिर इतना काम करने के बाद जो भी आपको लोगे वो आप तैयारी करो, ठीक है। लेकिन अगर आप इतनी तैयारी कर लिए तो आप 70 में 50 तो आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। और मैं आपको बहुविकल्पी के लिए अलग से वीडियो दूंगा एक, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, अति लघु के लिए अलग से वीडियो दूंगा, लघु उत्तरी के लिए अलग से और दीर्घ उत्तरी के लिए अलग से, ठीक है। तो इन 4 वीडियो को अगर आप देख लोगे तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं जिसमें फाइनल शॉर्ट है सभी चैप्टर का, ठीक है। तो अगर आपको इन 4 चैप्टर को तैयार करना है तो फाइनल शॉर्ट से तैयार कर लो, 1-1 घंटे में 1-1 चैप्टर को कवर किया गया है, जिससे आपके ये 4 चैप्टर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको मैं एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ जहाँ से shubhamclasses.com का, वहाँ से आप केमिस्ट्री के 88 शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हल सहित डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपको, जैसे 5 चैप्टर आपको अच्छे से तैयार है तो आपको पास होने का झंझट तो एकदम खत्म रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, बातें समझ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।